नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दोनों के शव पेड़ से लटके मिले। एसपी ग्रामीण व क्षेत्र अधिकारी चांदपुर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। 4 दिन से थे युवक युवती लापता। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर के थाना शिवाला कला क्षेत्र के निवासी युवक कितांशु चौहान युवती प्रियांशी के शव फीना के जंगल में पेड़ से लटके मिले। पुलिस के अनुसार दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों के शव को पेड़ से नीचे उतारा और शव के आसपास से जहरीले पदार्थ की शीशी भी मिली है। सतपाल सिंह ने अपनी पुत्री प्रियांशी चौहान की 4 दिन पूर्व लापता होने की गुमशुदगी स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी। एसपी ग्रामीण रामर्ज और क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया चांदपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। चांदपुर से हमारे संवाददाता आफताब आलम की रिपोर्ट। आज प्रातः लगभग 11:15 बजे चौकीदार के माध्यम से थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि फीना के जंगल में सागौन के पेड़ से 100 लड़की का लटका हुआ और दूसरा 100 जिसके गले में चुन्नी है वो पेड़ के पास में ही पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना प्रभारी शिवाला कला घटनास्थल पर मैं फोर्स पहुँचे। उनके द्वारा दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल पर ही मौके से एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो, एक बैग काले रंग का काला और हरे रंग का और 2 मोबाइल फ़ोन, डिस्पोजल गिलास और बॉटल और 1 cc नोवा फोर्स कीटनाशक की प्राप्त हुई। बाद में जब ये जानकारी की गई तो एक और बैग को चेक किया गया तो उसके माध्यम से जब लोगों ने पहचान किया तो लड़की की पहचान प्रियांशी चौहान सम्राटर आप सतपाल चौहान निवासी ग्राम भैंसा के रूप में थाना शिवाला कला के रूप में हुई और दूसरे की पहचान कृतांशु सनाप महिपाल निवासी फीना थाना शिवाला कला के रूप में हुई है। दोनों शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूछताछ और जानकारी करने पर आया कि इनकी जो प्रियांशी चौहान दिनांक 5 तारीख को अपने घर से चली गई थी, जिसके संबंध में 7 तारीख को इनके पिता सतपाल द्वारा थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। पूछताछ पर ये दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला पाया गया। आज घटनास्थल की जो परिस्थितियाँ हैं उससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, फिर भी उसको डबल डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जाएगा और सभी बिंदुओं पर पुलिस में जांच कर रही है गहराई से और अग्रिम विधिक कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। मलिक बिग व्हील, अब कार खरीदना बेचना हुआ आसान, फेस्टिवल ऑफर, बिजनौर रोड जलालाबाद निकट चौकपुरी कॉलोनी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें 9045474040। दिवाली की शुभ शुरुआत कीजिए सुपर टेक के इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। नो पोल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, मात्र 15 रुपये में 100 किलोमीटर का खर्च 3 साल की बैटरी वारंटी के साथ। दिवाली पर टीचर, स्टूडेंट, डिलीवरी बॉय, लॉयर व गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्पेशल डिस्काउंट, साथ ही 5000 किलोमीटर तक 3 फ्री सर्विस, 5000 का फ्री गिफ्ट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, नो कॉस्ट, नो EMI। मौके का फायदा उठाए, जल्दी आए जल्दी पाए। पता राज ऑटोमोबाइल, अदब सिटी, मालन नदी के पास, नजीबाबाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।